हे नमस्कार दोस्तों, यूब्रेक आईटी से चैनल पे आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे, यहाँ पर जो है आप किसी भी स्टेट में हो तो आप लोगों को यहाँ पर जो है रेशन कार्ड का जो यहाँ पर फ्री में जो आप लोगों को जो यहाँ पर रिलीफ मिलेगा, जो सरकार से देगा फ्री में, तो कैसे आप लोग चेक कर सकते हो आपका परिवार में किस किस को यहाँ पर जो मिलेगा, आपका यहाँ पर जो है रेशन कार्ड लिस्ट में नाम आया कि नहीं आया, तो आप लोग को हम पूरा डिटेल्स के साथ वीडियो में आगे बने रहेगा दिखाएंगे। तो इसी तरह वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं इसी तरह हेल्पफुल वीडियो आप लोग को लेकर आता हूँ हमेशा। सो लेट गेट स्टार्ट। तो पहले आप लोग बता चाहता हूँ, आप लोगों के पास पुराना रेशन कार्ड है फिर भी आप लोगों को यहाँ पर जो है ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि आपका जो रेशन डीलर है उसका नाम का लिस्ट में आपका नाम या आपका परिवार का कोई भी सदस्य का नाम आया कि नहीं आया, आप लोग सिंपली यहाँ पर चेक कर सकते हो उसका वेबसाइट में जाके। तो आगे यहाँ पर मैं अपने कंप्यूटर में दिखाएंगे आप लोगों को कैसे जो है आप लोग चेक कर सकते हो पूरा जेन्युइन तरीका से, ठीक है? तो आप लोगों को आगे दिखाता हूँ। सो फ्रेंड, आपका पीसी या मोबाइल फोन हो तो आप लोगों को यहाँ पर जो कोई भी ब्राउजर ओपन करना है उसका बात यहाँ पर आप लोगों को लिखना है फ्रेंड्स, रेशन कार्ड। रेशन कार्ड लिखने के बाद आपका जो स्टेट है उस स्टेट का यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है ओपन हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को जो है यहाँ पर जो पहला वेबसाइट में नजर आएगा तो उसमें आप लोग क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को जो है नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर जो है एक ऑप्शन आप लोगों को सिलेक्ट करना है फ्रेंड्स, ठीक है? वो ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा तो फिर आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर जो है ऊपर में जाइए। ऊपर में जाने के बाद यहाँ पर जो है बीयू रेशन कार्ड काउंट, ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप लोगों का जो स्टेट है उसके उसका यहाँ पर जो है पूरा लिस्ट नजर आ जाएगा आप लोगों को। तो आपका जो यहाँ पर जो आपका डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो आपका ब्लॉक जो है ब्लॉक यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आपका जो रेशन डीलर है FPS यहाँ पर जो है उसका यहाँ पर नाम यहाँ पर आप लोग जो है सर्च कीजिए, ठीक है? यहाँ पर ढूंढिए उसका नाम। उसके नाम ढूंढने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो है उसको क्लिक कर दीजिए, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपका नाम आया कि नहीं आया फ्रेंड्स वो आप लोग यहाँ पर से आराम से ढूंढ सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर जो है आराम से यहाँ पर आपका नाम आया कि नहीं आया, आपका रेशन यहाँ पर फ्री में मिलेगा कि नहीं मिलेगा वहाँ पर आप लोगों को आराम से दिख जाएगा। रेशन कार्ड का नंबर यहाँ पर दिख जाएगा, आपका कैटेगरी जो है रेशन कार्ड का वो भी मिल जाएगा, आपका नाम रहेगा, आपका एज वगैरह जो जो है यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है? यहाँ पर आपका नाम नहीं आया तो यहाँ पर जो आपका डीलर का नाम नहीं है तो फिर लिस्ट में अभी तक आपका डीलर का नाम एंट्री नहीं किया है तो यहाँ पर उसका नाम भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? मुझे तो लगता है फ्रेंड्स यहाँ पर सबका सब डीलर का नाम यहाँ पर रहेगा रहेगा 100%, ठीक है? यहाँ पर देखिए तो इस टाइप का आप लोग जो है यहाँ पर ढूंढ सकते हो आपका जो स्टेट है स्टेट वाइज। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को बता दूं आपका जो है जो रेशन कार्ड का डीलर का नाम क्या है वो आप लोगों को मालूम नहीं है तो आप लोग वो कैसे जो है यहाँ पर मालूम कर सकते हो। यहाँ पर देखिए यहाँ पर रिपोर्ट NFSA में जाके सर्च बेनिफिशियरी में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों का जो है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दे रहा हूँ इस टाइप का दीजिए यहाँ पर। ये थोड़ा टाइम लगता है आने के लिए यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा। ग्रुप वार्ड, ठीक है, यहाँ पर दे दीजिए। यहाँ पर आपका नाम भी यहाँ पर लिख सकते हो, आपका हाउस होल्डर का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हो।
सो फ्रेंड यहाँ पर से आप लोग जो है सर्च करके आप निकाल सकते हो, रेशन कार्ड नंबर देख के भी आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हो आपका जो है जो रेशन डीलर का कौन है क्या है, यहाँ पर से निकाल सकते हो। सो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना, इस तरह वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी सवाल सुझाव हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो, मैं इस तरह आप लोगों को यहाँ पर जो है जो भी मेरे साथ होगा मैं अपने आप लोगों को रिप्लाई देंगे। सो मैं मिलता हूं दूसरे वीडियो दूसरे पे, तब तक के लिए जय हिंद।